నారీ శక్తి అవార్డులు అందుకున్న వారితో సమావేశమయ్యారు ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ. ఢిల్లీలోని ప్రధానమంత్రి నివాసంలో ఈ మీటింగ్ జరుగుతోంది. 15 మంది నారీ శక్తి అవార్డు గ్రహీతలతో ప్రధాని ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు. వారి సక్సెస్ స్టోరీలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. మహిళలను కోట్ల మందిని ప్రభావితం చేయగలరని మోడీ చెప్పారు. ఏదైనా పని మొదలు పెడితే దాన్ని మిషన్ మోడ్లో పూర్తి చేయాలన్నారు మోడీ. లేకపోతే అందరిలా ప్రవాహంలో కొట్టుకుపోవాల్సిందేనని మోడీ అభిప్రాయపడ్డారు. तो मैं ये कहूंगी कि इन जनरल लोगों की जो सोचने की क्षमता है और जो लोगों का फोकस रहा है लड़कियों का खास तौर पे, वो काफी प्रोग्रेसिव हो गया है. और अब वो ना केवल मतलब वो लोग एज अ करियर वुमन अपने आप को आगे देखना चाहती हैं. हमें देख के उनको अच्छा लगता है और इनफैक्ट उनको देख के हमें अच्छा लगता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और हमसे कोई प्रेरित हो रहा है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती. जैन सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना सर, हम लोगों की जर्नी आफ्टर एयरफोर्स एकेडमी सबकी एक साथ ही शुरू हुई थी. उससे पहले मैं भी एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, दरभंगा बिहार से. वहाँ पे मैंने स्कूलिंग के बाद कॉलेज किया, कॉलेज के बाद एग्ज़ाम देकर जैसे सभी एंट्री आते हैं वैसे आ गई थी. बचपन से सर ये था कि जो सिंस मैं सिविल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ तो फौज का ज़्यादा आइडिया नहीं था, बट ये था कि कुछ करना है तो उड़ना सबसे बेस्ट ऑप्शन है. तो जब एकेडमी गई थी, इनफैक्ट तब तक क्योंकि मैंने कभी ध्यान नहीं दिया फौज की तरफ, ऑनेस्टली तब तक मेरे को पता भी नहीं था कि लड़कियों को फाइटर दिया ही नहीं जाता. तो जब मैं गई थी, मेरे हिसाब से एयरफोर्स मतलब फाइटर ही उड़ाते होंगे, इस थिंकिंग के साथ गई थी. तो जर्नी जैसे कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी ने बताया, सबकी सेम रही है. बट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि बचपन से, क्योंकि मुझे कभी फील ही नहीं हुआ कि मैं लड़की हूँ तो मे बी फाइटर इज़ नॉट अ थिंग फॉर मी, तो मे बी मैं बस ऐसे बच्चों की तरह ना आगे बढ़ती गई. तो आई थिंक सबसे बड़ा योगदान मेरे माँ बाप का रहा, एंड ऑब्वियसली उसके बाद से कलीग्स, इंस्ट्रक्टर्स सभी. और यहाँ आकर आई एम वेरी ओवरवेल्म्ड to see you and meet you, sir. जैन सर, फ्लाइट लेफ्टिनेंट मोहना, मैं राजस्थान से हूँ. और एयरफोर्स ज्वाइन करना मेरे लिए एक काफ़ी आई वुड से लेगेसी वाला ऑप्शन था, बिकॉज माय फादर, ग्रैंडफादर बोथ हैव सर्व्ड इन एयरफोर्स. एंड बचपन से उनको जब यूनिफॉर्म में देखती थी तो एक ही सपना होता था कि उनको, प्लस स्कूल में कभी एजुकेशन ऑफिसर्स जब आते थे तो उनमें लेडी ऑफिसर्स को देख के बहुत प्रेरणा होती थी कि किसी दिन हम भी इसी तरीके से यूनिफॉर्म पहन के रॉब में चलेंगे. सो पहला ऑप्शन ऑब्वियसली फ्लाइंग था, बिकॉज जहाज़ों को देख के उड़ने का मन जरूर करता था. एंड 2015 एयरफोर्स ज्वाइन की थी, 2016 फाइटर कमीशन. एंड बहुत ही रोमांचक एक जॉब है ये, और बहुत ही डिमांडिंग है, नो डाउट्स. एंड हम अपने आप को हर तरीके से तैयार करते हैं उस चीज़ के लिए. मंत्री महोदय का जब भाषण सुनते हैं, केवल समाचार देखने का बहुत शौक थी, जब भाषण सुनते हैं कहीं भी हो, हम किसी को से बातचीत कर रहे हो, मगर जब भाषण का टाइम आता है 9 बजे का, तो हम टीवी के सामने बैठ जाएंगे. मगर ये नहीं सोचा था कभी कि इतनी करीब से मुलाकात होगी. और ये सोचा करते थे कि मंत्री महोदय जो अगर कभी मिलेंगे कहीं पर, तो ये हम जरूर कहेंगे अपने दिल की दर्द कि महिलाएं निकालने में आज के 30 साल पहले इतना योगदान मुझे देना पड़ा कि घर से बेघर हो गए. मगर उसका अफसोस नहीं रहा. अफसोस यूँ नहीं रहा कि लाखों बहन और बेटियां और बेटे सब बाहर निकल पड़े हैं. रहा बचा, बहुत कुछ था, हम तो दाल जैसा नमक डाला था, मगर हमारे मंत्री महोदय सब फतेह कर दिए. अब रह गया है कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर मुश्किल से, मेरी जानकारी में 80-90% ये काम फतेह है, सफाई हो.